आपको मेन रोड पे घुमा रहा हूँ, आपको लिंक के बारे में बता रहा हूँ कि पटियाली माली कहाँ है। तो फाइनली हमने डिसाइड किया कि आज हम जो है पटियाली माली चले ही जाते हैं। तो वीडियो में आपने हमारे साथ बने रहना है। आज हम आपको लेकर जाएंगे जन्नत, तो जन्नत जैसी जगह है और आप यकीनन एंजॉय करेंगे इस वीडियो को। तो वीडियो को फुल देखिएगा। आज हम आपको लेकर जा रहे हैं पटियाली माली, चले चलते हैं। यहाँ का भी आप माहौल देखें, पहाड़ी पहाड़। अभी हम काफी ऊपर आ चुके हैं, नीचे तो मैंने काफी आपको जो रोड का विजिट करवाया है। पटियाली माली तक पहुँचने में हमें तकरीबन एक घंटा लगेगा, तो हमारे साथ बने रहिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलो थकावट यहाँ तक पहुँचने में बहुत हो गई थी, मगर हमने अपने सफ़र को जारी रखा। हम जूं जूं आगे बढ़ रहे थे, मंजर हमें करीब आती दिखाई दे रही थी और इर्द गिर्द के नज़ारों की खूबसूरती और बढ़ती जा रही थी, जिससे हमारे हौसले और भी बुलंद हो रहे थे। मंजिल हमारी अभी काफ़ी दूर थी, मगर फिर भी हमें उम्मीद थी जब हम वहाँ पहुँचेंगे तो वहाँ का और ही माहौल होगा। इसलिए हमने अपने सफ़र को रोका नहीं, बल्कि हम आगे बढ़ते गए और बढ़ते ही गए। इर्द गिर्द के नज़ारे देखिए, क्या खूबसूरती है। यहाँ का माहौल, यहाँ का मौसम इस वक्त इतना बेहतरीन है कि हमें जुलाई में भी यहाँ पर ठंड लग रही थी, यहाँ पर इतनी सर्दी है। अगर रास्ते में कहीं पानी वगैरह का चश्मा आ जाता, हम रुकते तो इतना ठंडा पानी था कि पानी में हाथ लगाना मुमकिन नहीं था। तेरे आने की खबर ना सकी, तेरे आने की खबर ना सकी, हो गए पागल तेरी यादों में हम, तुम चले आओ पहाड़ों की कसम, तुम चले आओ पहाड़ों की कसम, हम तुम्हारी राह देखेंगे सनम, तुम चले आओ पहाड़ों की कसम। ये वो जगह है जो टूरिस्ट हज़रात की पहुंच से काफी दूर है, या उनको पता ही नहीं है, इसलिए शायद वो इस तरफ नहीं आते। जैसे जैसे हम आगे जाएंगे खूबसूरती और बढ़ती जाएगी। हैरान है कर रही है रुतबी तो तेरा ही हम, तुम चले आओ पहाड़ों की कसम, तुम चले आओ पहाड़ों की कसम, हम तुम्हारी राह देखेंगे सनम, तुम चले आओ पहाड़ों की कसम।
शान है, ये घटाएं तेरे बिन हैरान है, कर रही है रुतबी तो तेरा ही गम, तुम चले आओ पहाड़ों की कसम, तुम चले आओ पहाड़ों की कसम, हम तुम्हारी राह। तो गाइस ऐसा लग रहा है जैसे किसी मूवी का सीन हो, ये आप सामने देखें क्या नजारे हैं यार। माशाल्लाह बंदे का कार ही थी हो आगे हैं हैं। काश बिल्कुल यहाँ पर अपना घर हो, जन्नत है जन्नत। ये देखें ये इधर फ्री तो नहीं है, लेकिन बोतल ठंडी करने के लिए हमने क्या तरीका इस्तेमाल किया। और ये पानी इतना ठंडा है कि आप इसमें दो मिनट से ज़्यादा जो हाथ नहीं रख सकते, इतना ठंडा पानी है। तो हमने थोड़ा गंदा कर दिया लेकिन ठंडा बहुत है, और हम इसमें बोतल को जो है ठंडा कर रहे हैं। ये देखो ये साइज। तो इधर से आगे अभी रोड का काम जारी है, यहाँ से आगे हमें अब पैदल ही जाना पड़ेगा। क्या हो सकता है, ये देखिए रोड की जो कंस्ट्रक्शन काम जो है ये स्टार्ट है। इधर से आगे हमें पैदल सफर करना है, लेकिन आज हमने पक्का इरादा किया है कि हमने आज जाने ही जाना है। तो देखते हैं आगे कितना टाइम लगता है। तो गाइस काफ़ी तकरीबन 1 किलोमीटर हम पैदल चल चुके हैं, अभी आगे भी चलना है, अभी आगे भी चलना है। रोड का काम जारी है, और नीचे देखो रोड। तो अभी हम मंजर के बिल्कुल करीब है, मेरे ख्याल में मंजर के बिल्कुल करीब है इंशाल्लाह। अभी रोड पे सो रहे हैं, तो ये उम्मीद है इस सीज़न में गर्मियों में ये रोड का काम मुकम्मल हो जाएगा। अब फिर ही आना है इधर, वरना थोड़ा सा चलना पड़ेगा। लेकिन जिस जगह हम आपको लेकर जाने वाले हैं वहाँ पहुँच कर आपकी थकावट सारी ख़त्म हो जाएगी, ये पक्का वादा है आपसे। नेक्स्ट पार्ट में आप देख सकेंगे पटियाली माली की खूबसूरतियाँ, और वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती इसलिए हमने इसको 4 पार्ट में तकसीम कर दिया है। तो पार्ट 1 है, पार्ट 2 कल इंशाल्लाह आएगा। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।